तो गाइस फ्री फायर वालों ने डायमंड करेक्टर्स को कुछ करेक्टर्स को यार गोल्ड में ट्रांसफर कर दिया है। तो आप डायमंड वाले करेक्टर को गोल्ड में परचेज कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जाइम करेक्टर है, एग्जाइम बहुत ही ओपी करेक्टर है, इसका एक स्किल भाई साहब एक्टिव स्किल है। अब भाई साहब गोल्ड में आ गया है एक्टिव स्किल वाले करेक्टर। बाद में आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताने वाला हूं एग्जाइम करेक्टर, सीरू करेक्टर, दासा करेक्टर एंड ओबी करेक्टर। तो यार मैं आज सब करेक्टर्स की स्किल को दिखाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा, पढ़ के भी दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल दोनों करके दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो क्लास तक जरूर देखना। और यार अगर तुम हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो एक बार अनसब्सक्राइब करो चैनल को और फिर एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि भाई साहब नोटिफिकेशन नहीं भेजता यूट्यूब और इंप्रेशन भी नहीं भेजता। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो थोड़ा सा अच्छी लगती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई लोग पहले नंबर करेक्टर हमारे पास है दासा करेक्टर, जो कि एक पैसिव स्किल वाला इस करेक्टर है। तो यहाँ पे मैं तुमको इसकी स्किल की बात करूँ तो मैं तुमको आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर तुम कहीं ऊंचाई से गिरते हो ना तो तुमको 30% तक कम डैमेज मिलेगा। अगर तुम दूसरा करेक्टर लेते हो उसके मुताबिक तुमको इस करेक्टर में 30% तक कम डैमेज मिलेगा अगर तुम ऊंचाई से गिरते हो या तो कूदते हो। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। अब मैंने इसको चिमनी से गिराया तो चिमनी से मैं देख लो कितना डैमेज देखने को मिलता है। तो देख सकते हो कि इसकी एचपी 70 बची, मतलब 70 एचपी भी बची हुई है। अगर मैं इसी को और करेक्टर को किसी और करेक्टर को यहाँ से गिराता हूँ तो भाई साहब केवल और केवल 10 एचपी बचती है। तो इतना बड़ा फर्क मिलता है। और तो और ये वाला करेक्टर भाई साहब किसी भी गन का रिकॉइल 6% तक कम कर सकता है। तो मतलब कितना अच्छा है। तो भाई लोग अगला करेक्टर है ओबी करेक्टर। ये करेक्टर की एबिलिटी ये है कि अगर तुम किसी बंदे को मूव करते हुए मारते हो तो तुम्हारी मूवमेंट स्पीड को और भी 5% तक बढ़ा देता है। भाई साहब अगर तुम किसी को मारते हो मूव करते हुए मारोगे तो तुमको हाई स्पीड को मूवमेंट स्पीड को 5% और बढ़ा देगा ये। और तो और ये तुम्हारी एक्यूरेसी को भी 20% तक बढ़ा देता है। मतलब कि अगर तुम मूव करते हुए किसी बंदे को मारोगे तुम्हारी मूवमेंट स्पीड 5% तक बढ़ेगी और एक्यूरेसी तुम्हारी 20% तक बढ़ जाएगी। तो अगला करेक्टर है एग्जाइम करेक्टर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना इसकी एबिलिटी को। एग्जाइम करेक्टर की एबिलिटी ये है कि अगर तुम कहीं से भी डैमेज पाते हो तो तुमको यहाँ पे 80 एचपी भाई साहब दे देगा ये कुछ समय के लिए। मतलब 80 एचपी तुमको कुछ समय के लिए दे देगा। अब तुम देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे 47 मतलब 111 एचपी है। अब यहाँ पे मुझे डैमेज पड़ा कहीं से तो मेरी 47 एचपी आ गई है। तो अब मैंने इसके जैसे स्किल को यूज किया तो मुझे 119 एचपी फिर से मिल गई कुछ समय के लिए। अब धीरे धीरे करके ये मेरी स्पीड कम हो जाएगी, 47 पे फिर से आके अटक जाएगी। मतलब जितना मेरा पहले से था उतना फिर आ जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे मिल जाएगी एक मतलब 80 एचपी तक। इससे मैं कुछ समय के लिए फाइट कर सकता हूँ, देर तक मतलब लड़ सकता हूँ। और इसकी एक स्किल ये भी है कि अगर तुम ग्लू वॉल तोड़ते हो या तो क्रोनो की शील्ड को तोड़ते हो तो तुम्हारा डैमेज को 40% तक और इंक्रीज कर देगा। मतलब कि ग्लू वॉल और क्रोनो की शील्ड को तुम बहुत ही इजीली तोड़ सकते हो, बहुत ही जल्दी तोड़ सकते हो। तो अगला करेक्टर आता है हमारे पास सीरो करेक्टर। अब सीरो करेक्टर को एबिलिटी समझो। तो अगर एनिमी तुमको 80 मीटर के अंदर से मारता है, मतलब मारेगा तो अगर वो 80 मीटर के अंदर है तो तुम पर एक मार्क लग जाएगा 6 सेकंड के लिए। तो तुम उसकी लोकेशन को अच्छे तरीके से जान सकते हो कहाँ पे है। और तो और अगर तुम अगर जिसके ऊपर मार्क लगा है तुम उसको डैमेज दोगे तो उसकी जो वेस्ट रहेगी वो 50% जल्दी डिक्रीज होगी। मतलब उसके 50% जल्दी डैमेज जाएगा उसके वेस्ट पे, मतलब वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा कुल मिला के ये। तो मतलब अगर देख सकते हो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे मतलब कि जा रहा था तो मुझे एक कहीं से एक बंदा मारा तो मुझको उसकी लोकेशन नहीं पता थी। तो भाई साहब जैसे उसको उसने मुझे डैमेज दिया तो उसकी लोकेशन मुझको पता चल गई। देखो उसके ऊपर मार्क लग चुका है एक, तो देख सकते हो। तो इस तरह करके तुम उसकी लोकेशन भी पता कर सकते हो, वो कहाँ भी रहेगा वो तुमको बता देगा। मतलब कि अगर 80 मीटर के अंदर से मारेगा वो तो तुम उसकी लोकेशन जान जाओगे, उसके ऊपर मार्क लग जाएगा और उसकी वेस्ट तो कम हो जाएगी अगर तुम उसको फिर मारते हो। तो भाई लोग वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लेना।